वेल, और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो इन्होंने बहुत हाथ साफ करना है और इंशाल्लाह नाम कमाएंगे। वेरी गुड, ऑफ कोर्स। अच्छा, गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, गाया भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा, लिरिक्स भी अच्छा, कहन बहुत अच्छा, लड़की भी बहुत अच्छी है, मस्त से ऐश्वर्या इज गुड। इतना ही है, पब्लिक अप्रिशिएट करे बस। हम लोग तो मेहनत देखते हैं, हमें मालूम है कितनी मेहनत होती है, पब्लिक हमारी समझती नहीं ना, उन लोगों का अप्रिसिएशन चाहिए। लगता है कि आज के दौर की जो जनरेशन है वो गाना पसंद करेगी? वेल, यू नेवर नो, हमारी पब्लिक मूडी है। कब क्या पसंद है? बिल्कुल सिंपल, दे आर मूडी। कभी पसंद कर लिया तो ऐसे ऐसे गाने पसंद करते हैं जो सोच भी नहीं सकते, और नहीं पसंद किया तो क्लासिक्स को भी ठुकरा देते हैं। सो यू कांट से अबाउट पब्लिक, दे आर लाइक वेदर ऑफ बॉम्बे। देखिए सर, मैं बहुत टाइम से असिस्ट कर रहा था और एक स्ट्रगलर था, बहुत सारी मेहनत कर रहा था। फिर एक लास्ट प्लानिंग ये आई मेरे मन में कि क्यों ना मैं खुद के कुछ करके निकलूँ। तो कोरियोग्राफी तो काफ़ी टाइम से मुंबई में हुई, पिछले 5-6 साल से तो कर ही रहा हूँ, सभी को असिस्ट किया, जैसे आपको बता के गए, अभी मेरी गुरुजी खुद थे यहाँ पे, सरोज खान जी। तो बस सीख तो गया ही थे, सारी चीज़ें हुनर तो आ गए थे। तो एक मूवी में कर चुका हूँ पहले, उसमें नेगेटिव रोल मैंने किया है, मुंबई के डांस वाला। एक बेटियाँ दो मेरी मूवी रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने नेगेटिव और एक में पॉजिटिव रोल किया है। और अभी ये था कि मेरे को कि कुछ बड़ा करना था, और टी सीरीज़ के लिए मैं अप्रोच कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज़ है। तो बस एक गाना आया और कुमार सपन साहब जो सिंगर है हमारे, वो मिले, गोपी पिंटल साहब मिले और तृप्ति सिन्हा जी मिली, जो सिंगर्स थे, अच्छे सिंगर्स मिले, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। मैं और मेरे साथ एक मेरे को प्रोड्यूसर हैं मिस्टर भरत मिश्रा जी, हम दोनों ने उसको फाइनेंस किया। और मैंने कहा चलो खुद को लॉन्च करने का इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्ट भी है, सीख भी चुके हैं, दुनिया को नचाते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा खुद के लिए भी कुछ कर लें। सर, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था एक्चुअली, क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्री में ना सब लोग यही सोचते हैं कि जो कोरियोग्राफर है ये डांस करेगा, और एग्जैक्टली ये फॉर्म गलत है जितना मुझे समझ है, क्योंकि कोरियोग्राफर इज़ नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ नाचना है, वो डांस मास्टर का काम होता है, हम लोग करते हैं। जब मैं डांस मास्टर का काम करता था तो नाचता ही था, बट कोरियोग्राफ तो पूरे ही सॉन्ग को किया जाता है, कहाँ से एंगल है, किधर से जाना है, कैमरामैन के संग पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो एक तरह से डायरेक्टर ही होता है, डायरेक्शन ही करते हैं हम लोग, पूरा गाना बना देते हैं। सरोज खान जी बहुत बड़ा उदाहरण है, लॉली सर है मेरे टीचर हैं, वो भी बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं शुरू से मेरे जो गुरु, जैसे कहते हैं ना, जय संगत साधु की तहसीरत हो, तो मेरी शुरू से संगत ही ऐसे लोगों में हुई, लॉलीपॉप सर, सरोज खान मैम की, मैं वो ए ग्रेड ही सीखता चला गया। और फिर मैं सब कुछ डेडिकेट करता हूँ भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि मैं भोलेनाथ का बड़ा भक्त हूँ। और ये और आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिले हो गया, बल्कि ये सॉन्ग पिछले 15 दिन पहले आना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और ये सॉन्ग मैं मेरे फादर लेट श्री HBL सक्सेना जी को डेडिकेट कर रहा हूँ, और वो पर्सनैलिटी है, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। तो ये गाना सिंपल इसलिए रहा कि रजवाड़ा मुझे दिखाना था, राजस्थान, और उसको एक चैलेंज ये था कि इसको सॉफ्ट कैसे निकाला जाए। इसमें आप देखेंगे तो 3 स्टोरीज़ हैं, ये बार बार फ्लैशबैक में जा रहे हैं, इसमें बार बार बच्चे आ रहे हैं, और वो बच्चे हमारा बचपन है, तो हम याद कर रहे हैं कि एक बंदा है जो अपनी पुरानी बचपन की गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए आया है, तो वो पजेसिवनेस और रूठना और वो उसका चिड़ना और वो सब इसमें दिखाया है, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के, पूरी स्टोरी है सॉन्ग। एक आइडिया थोड़ा सा मैं कहूँगा मेरा ही था, क्योंकि रीज़न ये था कि आजकल आप देख रहे हैं 2B, T ये इस तरीके के सॉन्ग्स चल रहे हैं, और हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें पैसा मिलता है तो हम उसको कोरियोग्राफ करते हैं, और हम आगे भी करेंगे भाई, धंधा है। लेकिन ये जो मेलोडियस सॉन्ग है, इसको आप अगर आप फैमिली के संग भी जा रहे हैं, सफ़र मेरिज का, अगर आप इसको अपनी कैसेट में लगाते हैं, आप इसको अपनी कार में लगाते हैं, रेस्टोरेंट में लगाते हैं, या आप कहीं भी बैठे हैं, तो ये आपको बहुत रोमांचित करेगा, आपको बहुत पॉजिटिव करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि एक बहुत समय बाद में एक ऐसा गाना आया जिसका कुछ सेंस है, और बहुत सेंसफुल क्राउड, मेरे को लगता है सभी लोग, आज की यूथ भी ऐसा कुछ ढूंढ रही है, क्योंकि ट्रेंड से हटके अगर कुछ आता है तो आई थिंक पसंद किया जाता है। तो बस मेरी सबसे हाथ जोड़ की विनती है, खूब सारा पसंद करो और खूब सारा सपोर्ट करो। ये गाना राजपूत रजवाड़े पे जा रहा था, और ऐश्वर्या हरसेल्फ अपने आप में राजपूत हैं, तो थोड़ा सा कठिनाई आई, क्योंकि वहाँ पे मान्यताएँ थोड़ी सी बैकवर्ड हैं, लोग नहीं चाहते, तो
जो सादगी है वो काफ़ी कुछ ऐश्वर्या की वजह से ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐश्वर्या को फिल्माना था तो इसमें हमने बहुत लव दिखाया है, रोमांस दिखाया है, बट कहीं भी वल्गैरिटी आपको इस गाने में नहीं दिखेगी। आप फैमिली के संग ये सॉन्ग देख सकते हैं और पसंद कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। मुझे एक्टिंग में कीड़ा बचपन से था, सो बीइंग विकास ऑल्सो स्टूडेंट, मुझे जब पता चला ऑडिशन चल रहे हैं तो मैंने भी अपना लग आजमाया। फिर मुझे, मैंने सर को बताया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, सर ने देखे मेरे स्किल्स तो हाँ कहीं इम्प्रूवमेंट्स थे, तो उस पर सर ने मुझे गाइड किया कि ठीक है मैं ये दे रहा हूँ तुझे, तो जिस पर प्रैक्टिस करनी है। सो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया मेरी मेहनत देख के, और फिर मेरे इम्प्रूवमेंट्स देख के सर को इतना अच्छा लगा, सो ही सेड कि वो कहीं जा सकती है, कर सकती है, अगर उसमें कीड़ा है तो वो करेगी आगे। और नहीं नहीं बिल्कुल, सुनते ही मतलब मैंने गाना सुना नहीं था, उससे पहले मैंने स्क्रिप्ट जब मुझे बताई गई थी तभी मुझे लगा था कि ये गाना आई कैन डू दिस एंड मुझे करना था, सो ये इससे अच्छा मौका और कुछ हो नहीं सकता था। बिल्कुल डांस भी किया हमने इसमें, सालसा स्टेप्स किए हैं, तो मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं डांस सीख रही हूँ सर से, तो मेरी डांस स्किल्स भी इसमें दिखी हैं एंड एक्टिंग स्किल्स भी दिखी हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये सॉन्ग, प्लस इसमें जो सादगी है वो मतलब दिस इज़ व्हाट डू वी से अ बिग बॉक्स ऑफ एवरीथिंग, जहाँ आपको सादगी दिख रही है, रोमांस दिख रहा है एंड डांस दिख रहा है, एक्टिंग दिख रही है, एवरीथिंग। अब मुझे, मैं हलवाई हूँ यार, मैंने लिखा है गाना तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, और गाना अच्छी तरह कंपोज भी किया है भाई साहब ने, और खैर हमने जो लिखा है थोड़ी तुकबंदी कर दी है, लेकिन बाकी चाहने वालों के ऊपर है कैसा पसंद आए, हमें तो अपनी चीज़ तो अपनी मिठाई तो पसंद आती है भाई, बहुत अच्छा है। इट्स स्टार्टिंग फॉर गाइड कॉल्ड विकास सक्सेना, और इसने बहुत मेहनत की है, और कुमार ने गाया भी अच्छा है, बहुत खूबसूरती से इसको कंपोज भी किया गया है, और मेरी तो ये शुभकामनाएं हैं कि बहुत चले, भगवान इनको और इनक्रेज करें और नए टैलेंट और आए। तो मैंने एक बार बाल गोपाल कहा था, मैं अपनी एज ग्रुप में सेकंड आई थी, फिर मैं नेक्स्ट में गई तो मुझे पता चला मेरे को टाइटल मिला, और फिर मुझे बताया गया कि मैं एक एल्बम सॉन्ग गाऊंगी, तो मैं इसी तरह से आई। नहीं नहीं नो नो कभी नहीं नहीं मजा आया, बहुत अच्छे मजा करे शूटिंग पे। मुझे तो बहुत मजा आया, एक्टिंग सीखने को मिली और थोड़ा बोला मतलब वो फेस का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं वो सीखने को मिली है। मेरे को तो एक्टर बनना है। पपन सिंगर और तृप्ति जी ने भी बहुत अच्छी गाई है, दोनों मिलकर हम लोग गाए हैं सफ़र मेरे इश्क का शुरू हुआ तुमसे, ये रोमांटिक सॉन्ग है, इसमें काफ़ी मेहनत तृप्ति जी की हम लोग की है, और म्यूजिक डाटा अनिल सिंह जी ने म्यूजिक दिए हैं, और गोपी पिंटल जी ने लिखे हैं, और प्रोड्यूस विकास सक्सेना जी एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा भूमिका निभाया है। सर, मैं तृप्ति सिन्हा, ये विकास सक्सेना जी का पहला वेंचर है, बहुत अच्छा उन्होंने एक्ट किया, कोरियोग्राफ किया है, उनको प्रोड्यूस किया है, और गोपी पिंटल जी ने लिखा है, और सपन जी ने बहुत अच्छा गाया, मैंने भी कोशिश की है तो, और ये गाना बहुत अच्छा बना है, तो आई होप कि ये सॉन्ग सबको अच्छा लगे, आई वी आर विशिंग यू होपिंग दैट की अभी बड़ी शुरुआत की सॉन्ग। कनों की डोर से जुड़ता चले।